सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सारे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट जावा इन पीसी। तो सबसे पहले अपने वर्ल्ड का नाम देते हैं, और मैं बंगाली हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ना बंगाल की गलियाँ देता हूँ, बंगाल की गलियाँ। बट नहीं यार, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मैं काम करता हूँ, इसे मिटाता हूँ और एक अच्छा सा नाम दूँगा, कलकत्ता का शहर, तो अच्छा लगेगा। यस, ये देखो वो थोड़ा स्टाइल है, आधा स्मॉल आधा कैपिटल, वो स्टाइल है। डोंट बी जज, मेरे को पता है भाई कैपिटल है, मैंने वहाँ पे ऐसी स्टाइल दिया है। तो चलो अभी अपना गेम मोड सर्वाइवल करते हैं, डिफ़िकल्टी हार्ड, चीट्स ऑफ है, और चलो अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। फटाफट क्रिएट हो जा बे, हो जा फटाफट हो जा। 0% पे बे, फटाफट बढ़ जा, पीसी ख़राब नहीं हो गया ना। हाँ हो रहा है, ठीक है, जल्दी होने दो इसे। चलो भाई, मैंने वहाँ पे वीडियो काट दिया और हम अपने इस फ्रेश सी वर्ल्ड में आ चुके हैं, और हमारा पहला काम है पेड़ काटना। ओके, तो चलो पेड़ काटना शुरू करते हैं। ओके, और मैंने थोड़ा सा वीडियो काटा है यहाँ पे, और ये पेड़ काटने का थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर रखा है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं नहीं चाहता ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो भाई ये प्लैंक्स बनाते हैं, अब एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड इसके बाद हम लगाएंगे थोड़े स्टिक्स एंड अब पिकैक्स बना लेते हैं। ये मैं वुड के सारे टूल्स नहीं बनाऊंगा, स्टार्टिंग में मैं स्टोन के टूल्स बना लूँगा। तो चलो स्टोन माइन करने चलते हैं। हमें मिल चुके हैं थोड़े स्टोन्स, फटाफट माइन करते हैं इन्हें। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो हमने बहुत सारे स्टोन माइन कर लिए हैं, अब फटाफट भाई स्टोन्स के टूल बनाते हैं। पहला हम बनाएंगे एक तलवार, स्टोन स्वॉर्ड, इसके बाद हम बनाएंगे एक स्टोन की एक्स। और आपको पता है जावा में एक्स कितनी काम की है, आप इससे पेड़ भी काट सकते हैं और एक्स्ट्रा डैमेज लेके एनिमल्स को मार भी सकते हैं। और चलो लास्ट में एक पिकैक्स बना लेते हैं, और हमें मिल चुके हैं एडवांसमेंट गेटिंग एंड अपग्रेड। और अभी ना अभी अपने घर के लिए मैं एक जगह ढूंढने वाला हूँ, तो चलो एक जगह ढूंढते हैं फटाफट, मैं वीडियो काट दूंगा। 2000 years later. तो गाइस, मेरे को एक जगह मिल चुकी है, और हम इस पहाड़ी पे घर बनाएंगे। पहाड़ी है, हाँ पहाड़ी है, चलो इस पहाड़ पे घर बनाएंगे, अच्छा लगेगा। और सबसे पहले भाई ये एरिया थोड़ा क्लियर करना है, और क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम ये इन लकड़ियों को काटने वाले हैं। तो चलो लकड़ियाँ काटते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमने सारे पेड़ को उड़ा दिया है, और अभी हमने बहुत सारे प्लैंक्स बना लिए हैं। और प्लैंक्स बना के भाई हमें थोड़े लॉग्स भी लगेंगी, हमारे पास है थोड़े बहुत लॉग्स, हो जाएगा इनसे। और अभी देखो यहाँ पे पेड़ तो क्लियर हो गए, बट हमें इन डर्ट को क्लियर करना है। तो चलो भाई, डर्ट क्लियर करने के लिए हमें बनाना है एक शवल, जिससे हमारा काम फटाफट हो जाएगा। ओके, मैंने बना लिया शवल, तो काम करते हैं शुरू। ओके, तो हमारा सारा काम हो चुका है, बस हमें अबे स्केलेटन, अबे तेरी तो अबे बोलने तो था, अबे फटाफट अपने आप को लॉक कर लेते हैं। भाई स्केलेटन आ गया कहाँ से? और भाई मैंने वीडियो थोड़ा काट दिया है यहाँ पे, क्योंकि भाई जो मैं बचा हूँ ना एक हार्ट पे, थोड़े सेब पड़ेंगे, सेब ही खाता हूँ भाई, मैं मर जाऊँगा अभी, लिटरली मैं मरने वाला हूँ। चलो दोबारा बचे, चलो ऐसे निकलते हैं। अबे यार मैंने दोबारा काटा है यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे ही निकलने वाला था ना, वैसे ही स्केलेटन ने मेरे को दोबारा ठोक दिया, और मैं फिर से एक हट पर। यहाँ पे ना मेरे को थोड़े कोयला दिख रहा है, तो थोड़े कोयले ले लेते हैं यहाँ से। भाई भाई कोई है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना भाई कोई एकदम अंडरग्राउंड रास्ते से आया हूँ, और जहाँ पे मैंने डर्ट लगाई थी ना वहाँ पे, वहाँ से मैं निकल के आया हूँ। और भाई चलो क्लियर तो हो चुका है, वैसे निकल लेते हैं बस। अबे स्केलेटन ने मार दिया, स्केलेटन ने मार दिया था। मैं दोबारा एकदम स्टार्टिंग से जहाँ पे स्पॉन हुआ था ना, एकदम वहाँ से भागते भागते आया, फटाफट अपना सामान लेते हैं भाई। हट यार, इतना अच्छा मैं जा रहा था, देखो यहाँ पे जब मैंने ये डर्ट भरी ना, इसके नीचे गड्ढा था,
हाँ ये वाला गड्ढा। चलो यार अपना सामान दोबारा ले लेते हैं। बे हट, मैं कितना भाग के आया मैं एकदम वो उधर से जहाँ से मैं आया था स्टार्टिंग में। ये अच्छी बात है कि अपना सामान डिस्पोन नहीं हुआ। ओ भाई चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्या पता मैं बाद में मर जाऊँगा दोबारा। मैं फटाफट निकल जाओ भाई। एक तो भाई इन्होंने इतना मारा है ना मेरे को, मैं एकदम स्केलेटन जहाँ मर्जी वहाँ आ जा रहे हैं। हट चलो अपना घर बनाने का काम ही शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे जो प्लैंक्स लगाई थी इन्हें हटा देते हैं सबसे पहले। हट जा भाई फटाफट, चल निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। हाँ देखो ये नीचे से गड्ढा दिख रहा है ना, मैं इसी गड्ढे से वहाँ पे गया था गड्ढा बनाकर, क्योंकि मैं ऊपर स्केलेटन था उस वक्त। चलो इस गड्ढे को भर देते हैं एंड अभी अपना काम दोबारा शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले यार मैं एक बेसिक से डिज़ाइन बनाऊँगा, लेकिन पहले एक चेस्ट बना लेते हैं। चेस्ट बना के अपना सारा सामान डाल देते हैं भाई, और थोड़ा खाना भी चाहिए क्योंकि HP बहुत कम है, देख ही सकते हो 1.5 2 हार्ट है। तो भाई थोड़ा खाना भी ढूंढना है और एक फर्नेस भी बना लेते हैं। कोयला मैंने वहाँ से ले लिया था। चलो देखते हैं कोई आसपास कोई मिल जाए, यार बहुत भूख लगी है। चलो एक मुर्गी थी मैंने उसे मार दिया है और भाई कच्चा ही खा लिया, वाह क्या बात है। फर्नेस देखता हूँ, हाँ फर्नेस के लिए मेरे पास कॉबल स्टोन है, तो फटाफट फर्नेस बनाया जाए। बन गया हमारा फर्नेस एंड इसको लगाते हैं यहाँ पर, और थोड़े कोयले, ये रहा मेरा कोयला। इस कोयले को निकाल के हम इसके अंदर डाल देंगे और अभी मेरे को इन्हें मारना है। चलो मर मर तेरी ऐसी की तैसी मर, सब मरेंगे आज। एक गाय को मारूंगा, अब शीप मिली शीप को भी मारूंगा, एक और शीप मिली इसको भी मारूंगा, सबको मारूंगा भाई, तीनों के तीनों पिग शीप। चलो भाई बहुत खाना मिल गया, फटाफट भाई खाना पकाने दो। और बीच में देखो मेरी हाफ हार्ट है, बीच में ना वहाँ पे गड्ढा था मैं वहाँ पे गिर गया था और उसी में मेरे 1.5 हार्ट चले गए। ओ भाई मैं जो बच के आया हूँ ना वहाँ पे, और उस गड्ढे में स्केलेटन भी था, उससे बच के दोबारा आया हूँ। तो मैं मरने जाऊँ ना, ये 3 शीप्स को मारा, मैं एक बेड बना चुका हूँ और अभी भाई मरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके खाना मिल गया एंड फाइनली भाई सांस में सांस आई। 1.5 हार्ट से मैं अभी दोबारा क्या बोलते हैं 5 हार्ट्स पे आया हूँ, हम 5.5 हार्ट्स पे आया हूँ भाई साहब, जो बचा हूँ। और चलो अपना घर का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं दोबारा। यहाँ पे ऐसे लॉग्स लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे देखा क्या मस्त क्लच था छोटा मोटा बेड क्लच, और उसके बाद यार इन्हें ऐसे बेसिक फॉर्मेशन में लगा के, तो आपको पता ही है ये बेसिक घर ऐसे ही बनाते हैं। इनको भी छील देंगे अच्छे से, छील दिया और अभी भाई इन्हें बीच से भरना है। तो भरने के लिए हमें लगने वाले हैं प्लैंक्स। ओके तो प्लैंक्स तो आपको पता ही है मेरे पास है भर भर के, मैंने स्टार्टिंग में बहुत प्लैंक्स बना लिए थे। और चलो भाई भरना शुरू करते हैं इन्हें। ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं इन्हें दिखाऊँगा ना तो आपको वीडियो थोड़ी मतलब बोरिंग बोरिंग लगेगी, इसलिए भाई चलो हमारे पास अभी भी बहुत लॉग हैं। और अभी हमें दोबारा वुड कलेक्ट करना है, तो चलो वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं दोबारा भाई। इतने सारे ओक लॉग्स हैं जब, तो कलेक्ट ही कर लेते हैं। थोड़ा आसपास का एरिया भी क्लियर हो जाएगा उसी के साथ साथ। ओके हमारा ओक लॉग इतने सारे हैं और इतना काफ़ी होगा, 29 काफ़ी है। एंड अभी ऊपर जाएंगे हम दोबारा, और मैंने ओक लॉग्स यहाँ के ले लिए थे, यार जो है ना घर थोड़ा खराब खराब दिखेगा ऊपर से ऐसा, तो इसलिए ना ओक लॉग्स ले आया मैं। और भाई चलो लगाते हैं इसे, और मैंने यहाँ पे भी फास्ट फॉरवर्ड करी करके रखा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हो गया, इन्हें छील भी देंगे आराम से। और देखो भाई अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा, ठीक ही है। और अभी भाई दरवाजे वरवाजे ऊपर का ये छत भी बनाना है, और छत भाई आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, बहुत इजी ये काम है। पर सबसे पहले इन्हें मैं साइड में लेके जाऊंगा, वरना ना इतनी जगह फालतू में जाएगी, बहुत जगह नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे चेस्ट रखते हैं, सामान डाल देते हैं फटाफट, फालतू का सामान है, फालतू का नहीं मतलब लकड़ियाँ बहुत सारी है, मैंने यहाँ से सैपलिंग्स है बहुत सारे, सीड्स हैं तो। ओके फर्नेस मैंने इसी के अंदर डाल दिया, वाह क्या बात है, फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल इसी के अंदर डाल दिया मैंने। कोयला निकाल के डाल देते हैं इसके अंदर, तब तक खाना पकने दो थोड़ा। और अभी यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल लगाएंगे। बेड कहाँ पे है अभी,
अबे इन्वेंट्री में नहीं है, इसके अंदर डाल दिया। वाह, बेड भी इसी के अंदर डाल दिया। चलो बेड यहाँ पे रखेंगे। अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बट बीच में यहाँ पे जो गैप है ना, वहाँ पे मैं एक और क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ, क्योंकि क्या ही करेंगे, दो क्राफ्टिंग टेबल रहने ही, तो वुड से ही तो बनता है क्राफ्टिंग टेबल। ये यहाँ पे लगा देंगे, और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। अभी देखो ऊपर का ना जो छत है वो हम स्लैब से, मतलब स्लैब से बनाएंगे। तो चलो वही स्लैब्स निकाल लेते हैं, और स्लैब्स बनाने के लिए लकड़ियों को कुछ ऐसे लगाना है, और मिल गए हमें स्लैब्स। अब फटाफट स्लैब्स को लगाना शुरू करते हैं। अबे गलत लग गया, चलो सही लग गया। अब ऐसे करके पूरे छत पर लगाएंगे हम, और यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए मेरे को थोड़ी लकड़ियाँ चाहिए, और थोड़ी सी लकड़ियाँ और ले लेते हैं। आए हैं तो थोड़े बहुत और लेके ही जाऊँगा भाई, आया हूँ जब। चलो 11 काफ़ी है, चलो दोबारा हम आ चुके हैं दोबारा अपने घर में, और इसे हम ऐसे लगाएंगे, और इसके बाद इन्हें दोबारा छील भी देंगे। और अब हमारे पास जो इतने सारे प्लैंक्स हैं इनको ना, नहीं इतने सारे नहीं, 32 करके लगाता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब देखते कितना बनता है एक बार में। 61 काफ़ी है भाई, हमारा छत इसमें हो जाएगा। तो चलो छत लगाते हैं, जिसे ओ भाई हो जा फटाफट। हो गया। अबे इधर गलत लगाया मैंने, यहाँ पे भी लग गया। अब ठीक है, अब ना दरवाजे बनाते हैं फटाफट, पर उसके लिए मेरे को थोड़े स्टेयर्स भी बनाने हैं। स्टेयर्स क्यों बनाने हैं वो आपको पता लग जाएगा अभी। अब ऐसे ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ओके। अब यहाँ पे स्लैब लगाएंगे, छोटा सा एक डिज़ाइन है, मतलब अच्छा लगेगा। अबे स्लैब, अबे क्या उल्टे सीधे स्लैब्स लगा रहा हूँ मैं भी यार, हट, सही से लगाओ। स्लैब्स लग चुके हैं सही से, एंड मैं इन्हें दोबारा छील दूंगा। अब बनाएंगे दरवाजे, देखो अब यहाँ पे अच्छे ही लग रहा है, कुछ ख़राब नहीं है। और बस यहाँ पे बस थोड़े लाइट्स लगाने हैं। लाइट्स के लिए भाई लैंटर्न तो मैं बना नहीं सकता, आयरन नहीं है। अगले वीडियो में आयरन माइन करने जाएंगे, बट फिलहाल दरवाज़ा बनाते हैं। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं यहाँ पे टॉर्च लगा दूंगा, हमारे पास एक कोयला तो है ही। चलो लग गया हमारा दरवाज़ा, एंड अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी एक थोड़ा घर वाला लुक आ रहा है, तो भाई ये ठीक ही लग रहा है। और थोड़ा ये फालतू का सामान डाल देते हैं, और चलो भाई एक बार आपको घर का एक बार लुक दिखा दें। थोड़ा खाना ले लेते हैं, कोयला, एंड नाउ अभी हम बना लेते हैं टॉर्च। टॉर्च बन गए हमारे। अब ये 4 टॉर्चेस मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे लग गए। अबे सही से लग, लग जा, लग गया, ठीक है। रिस्पॉन पॉइंट सेट है, एकदम बढ़िया लग रहा है, कोई ख़राबी नहीं है, एकदम मस्त सा लग रहा है। तो चलो अभी मैं आपको घर का पूरा 360 लुक देता हूँ। देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है, इधर से ऐसा लग रहा है, एकदम 360 लुक। भाई ख़राब नहीं है, स्टार्टिंग के लिए तो ठीक ही है घर। और भाई इतना काफ़ी है आज के वीडियो के लिए भाई। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, और अगली वीडियो में हम माइन करेंगे थोड़े आयरन्स, अगर गुफा मिली तो।